अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ मुगलाई चिकन हांडी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए फिर हम अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। 500 ग्राम हम बोनलेस चिकन लेंगे और इसे एक बॉल में ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से इन सबको मिक्स कर लें और इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और मीडियम हीट पर ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड ऑनियन अब हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। 3 to 4 मिनट हम इसे मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे, जब तक हमारे ऑनियन का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। ऑनियन के साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और जिंजर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लेंगे। दो मिनट तक हम इसे हाई हीट पर फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे चिकन का कलर वाइट नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टू मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए और उसका पेस्ट बना लिया, वो भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक्कन देकर 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आफ्टर 5 मिनट ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। हाफ कप हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए ढक्कन देकर मीडियम हीट पर पकने के लिए रख देंगे। जितनी देर में ये पक रहा है उतनी देर में हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लिया और यहाँ पर मैंने सब कुछ चॉप किया हुआ है, अब ये सब मैं एक बाउल में ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें ऑनियन, कैरेट, क्यूकम्बर, टोमेटो और पुदीने के थोड़े से पत्ते और सलाद के पत्ते इस्तेमाल किए हैं। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब सैलेड लीफ भी मैंने इसमें डाल दिए। टू टेबलस्पून लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया। थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी ब्लैक पेपर हमने इसमें डाल दी और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी कचूमर सैलड तैयार है। मैं जब भी मुगलाई हांडी बनाती हूँ तो ये मैं सैलड ज़रूर बनाती हूँ, इससे खाने का टेस्ट दुबाला हो जाता है। आफ्टर 15 मिनट्स देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। अब 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी का लिया और वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। कसूरी मेथी से हमारी हांडी में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा।
इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। थ्री ग्रीन चिलीज जो कि मैंने कट कर ली थी वो भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और हाफ टी स्पून ही हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। और ढक्कन देकर हम इसे स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रख देंगे। आफ्टर 2 मिनट्स लीजिए हमारी मज़ेदार सी मुगलाई चिकन हांडी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान और रोटी दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।